मोदी जी का क्या कहना है? मोदी जी कह रहे इस बार एक तरफा वोट पड़ रहा है। मोदी जी अभी देखना, मोदी जी के खिलाफ एक शख्स लड़ रहा है, कहीं मोदी जी भी न अपना न जाए। क्या हो? मैं बता रहा हूँ अभी उसका नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, उसका नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ। हाँ। चूंकि मेरे से बात होती है, अभी नाम नहीं खोल रहे। जिस दिन नामांकन भरा जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं जनता का प्यार है। अरे जनता का प्यार नहीं है, उनकी जो श्रीमती जी है ना, आग उगलेगी, अभी देखते जाइएगा। अभी क्या कारण क्या है इतना? अभी जो मंगल सूत्र की बात करते हैं ना, मंगल सूत्र इनके पैर से धर, अभी देखते जाइए। अभी मैं जा रहा हूँ, कारण क्या है? नहीं अभी मैं, मोदी जी अपनी सीट बचाना बड़ा मुश्किल होगा इस बार, देख लीजिएगा। अच्छा, तो कारण क्या है जो नहीं चाह रहे? देखो, शिक्षा को सस्ती करना चाहिए। ये केवल गौतम अडानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये मोदी बोलते ना, ये बोल रहे इस बार 400 पार नहीं, मोदी फरार। अरे बाप रे बाप, उनके जैसा गरीब मैं भी हो जाऊं? उनके जैसा मोदी जी गरीब नहीं, नहीं गरीब नहीं है। वो सब दिन टनाटन झूठ बोलता है। हाँ। टनाटन झूठ बोलता है, और ऐसा झूठ बोलता है कि ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक गरिमामयी कुर्सी में बैठ के तुम झूठ बोलते हो? प्रभु श्री राम झूठ बोलते थे क्या? हाँ। नहीं झूठ बोलते, वो टनाटन झूठ बोलते। उसका कनेक्शन बिल्कुल ऊपर से हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। राम जी कभी झूठ नहीं बोलते, हम भी राम के भक्त हैं, मैं प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ। तो राम का मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, राम का मंदिर कितने लोगों की आस्था से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। अब ये कहते हैं राम को इन्होंने लाया, राम को सुनिए, ये कहते हैं राम को हम लेके आए, वो राम को ले, राम कब आए थे? कब आए थे राम? अब ये गलत बात तो खुद क्रेडिट लेते हैं। नहीं नहीं देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि मोदी जी सब बार गलत किए हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी को भगवान ने इसलिए प्रमोट किया था कि ये अच्छा काम करेंगे, पर अच्छा काम इन्होंने क्या किया? अच्छा काम किसके लिए? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये क्या नहीं, गरीब 5 किलो देते, 5 किलो में आप खा लेंगी? नहीं खा लेंगी, नहीं खा पाएंगी। हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और ऐसी शिक्षा चाहिए जैसे जापान में मिलती है। हमको काम चाहिए ना, हमको पैसा नहीं चाहिए, मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। हमको दो हाथ, रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम, ये चाहिए। हाँ, सरदार भगत सिंह ने ये हमारा एक, मैं सरदार भगत सिंह सेना से हूँ और मैं सरदार भगत सिंह को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम ये गोरों को भगाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमको ऐसी शिक्षा चाहिए कि हमारा देश एक सुसज्जित और अच्छा। जब मजदूर अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक वेश नहीं, सारी दुनिया में। हमको मजदूरों का शासन चाहिए, पूंजीवाद का शासन नहीं चाहिए। इस टाइम पूंजियों का शासन है, जिसके पास पैसा है सत्ता उसी की, मोदी की सत्ता नहीं है। मोदी तो इशारों पे नाचता है। अच्छा। चलो मैडम, किसकी सरकार आएगी? इधर राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे 300+। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। वो जुमला करते बंगाल में किया था ना, 200+, 200 पार, तो ऐसी 400 पार हार गया वो अंदर अंदर से। लोग 3 बार क्यों दे उसको, काम कौन सी कर दिया? 30 मार्क का जी, तो उसको 3 बार देंगे, 2 बार ठीक है चल गया। हमने तो 10 साल में इतने काम कर दिए। हाँ, काम तो बहुत किया उन्होंने, 18 घंटे काम किया। अभी 30 बार कह रहे आएंगे तो 22 घंटा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कहते हैं देश की जनता का सपना ही मेरा सपना है। क्या बोले ये, इसका जवाब नहीं मेरे पास। सपना अलग अलग लोग, अलग अलग सपना होते। यहाँ पे 5 तरीके के विचारधारा के लोग रहते, ये बात मानते कि नहीं? एक अम्बेडकरवादी है, एक उसके बाद एक क्या है वो समाजवादी लोग रहते, कम्युनिस्टवादी है, गांधीवादी है, राष्ट्रवादी। मोदी जी बात करते, राष्ट्रवाद के क्या पार्ट हमें समझ में नहीं आते। राष्ट्रवाद के जो ओरिजिनल पार्ट है ना, तो वो आज भी समझ में नहीं आते हमें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब इंग्लैंड से गुजरात आए थे ना, उनके पास पैसा नहीं था कोलकाता जाने के लिए, तो उन्होंने
राष्ट्रवाद के नाम पे ना 20 पन्ना में एक पन्नी लिख दिया था, 200 रुपया मिला था, वही पहले कोलकाता गया था उन्होंने। तो इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है। अच्छा, तो कहते हम सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, कहां से कहां। सारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते, कौन नहीं करते। सरकार लोग क्यों चुनते उनको, पिछले लगातार 2 साल में चुना ना, तो काम करने का। पहले मोदी जी को ही वोट दिया था 2014 में। मोदी को कहाँ दिया, लोगों ने अपना अपना क्षेत्र में जो विकास करने उनको वोट दिया था। एक पार्टी प्रधान होते कोई भी हो। आपने किसको दिया था, भाजपा को? ना, मैंने तो कम्युनिस्ट को देता हूँ हमने। अच्छा। और हमारे अभी अधीर चौधरी है तो इंडिया गठबंधन में, तो हम अधीर चौधरी को देते। अच्छा। हम बहरमपुर लोकसभा से आते, पश्चिम बंगाल से आते, हमने ममता को नहीं देते। क्या लग रहा है किसकी सरकार? अब की बार तो मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये लोग कुछ भी कर ले, ये विकास के नाम पर पब्लिक को मतलब ठगे, राशन के नाम पे, महंगाई के नाम पे कुछ भी कर ले, क्योंकि अब की बार तो वही गवर्नमेंट आएगी जो अभी है प्रेजेंट में। मुद्दों पे काम हुआ है? अब कुछ बहुत काम हुआ है, लग रहा है महंगाई कम हुई है। महंगाई देखिए, महंगाई उस टाइम भी थी और इस टाइम भी तो महंगाई थी। आदमी की सोच चाहिए चेंज करने के लिए, महंगाई पहले भी थी। तो मोदी जी तो नारा लेकर आए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, अब कुछ ये नारा लेकर आए थे और अभी भी वो। महंगाई का क्या हुआ, कम तो हुई नहीं, कम नहीं। अच्छी बताइए क्या महंगाई है, मेरे को बताइए क्या महंगाई। की तेल इतना बढ़ गया है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, आटा दाल चावल। ओके, गैस सिलेंडर पे आता हूँ। पहले आप गैस सिलेंडर कैसे लेते थे 2014 से पहले? 2014 में 400 रुपए। 400 रुपए कहाँ से लेते थे आप, कैसे लेते थे? काम की बात हो रही है ना, कैसे लेते हैं आप? वही बात है ना, मैं आपके ऊपर, हमारे ऊपर, पब्लिक ऊपर आ रहा हूँ ना। आप 2014 से 400 रुपए सिलेंडर ले रहे, आप सिलेंडर उठा के भाड़ा रिक्शा चाहे बाइक लेके आप वहाँ पर जाते थे, लाइन पर लगते थे ना, आपके कितना टाइम वेस्ट होता था, कितना पैसा वेस्ट होता, आपकी जॉब की टाइम वेस्ट होता था, बिजनेस जो है बिजनेसमैन की आपके टाइम वेस्ट होता था कि नहीं होता था? पहले एक बात बताइए, होता है कि नहीं होता था? 1200 का हो जाए, नहीं 1200 का मान लीजिए जो मेरी जवाब है वो बताइए, टाइम होता आपकी बात। सिलेंडर को आप, सिलेंडर वाले को, गैस वाले को कॉल करो कि भाई मेरे घर पे सिलेंडर चाहिए, वो आपके किचन तक पहुंचाता है। अगर 2 रुपया एक्स्ट्रा लेता तो उसमें क्या हर्ज है आपको? आपको गरीब तो लेकिन कह रहे हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं थी, हम जाके ले आते, अभी 1200 देने में ज्यादा नहीं, 1200 से उनकी सब्सिडी मिले तो ये परेशानी नहीं है? पहले सब्सिडी मिलती थी, अभी पहले मिलती थी सब्सिडी? सब्सिडी नहीं, अब कहने सब्सिडी भी खत्म कर दिया, अभी अभी मिल रही है, कौन बोला नहीं मिल रहा? नहीं मिलती जी सब्सिडी, सब्सिडी नहीं मिलती भाई साहब, मिल रही है हमारे। महंगाई से परेशानी आपकी, आपकी हाँ जी, महंगाई से परेशानी हो रही है, बहुत हो रही है जी, हर चीज की, हर चीज महंगा है जी। हर चीज की क्या, अरे कुछ भी ले लो जी, भैया को महंगाई नहीं लगती है। जब 2014 में जब सिलेंडर 400 रुपए रहते थे, डीजल पेट्रोल 50 से 60 रुपए लीटर रहते थे, तेही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे अरे सूखे सैया खुबे कमाते है और महंगाई ढाइन खा जाते। आज यही सिलेंडर आज नहीं दिखेगा, 1000 रुपए पार है, डीजल पेट्रोल 600 रुपए पार है, आज यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई है। अच्छा, और चले तो साहब गरीबी मिटाने, गरीबों को ही मिटा दिया और उज्ज्वला लगे छज्जा पर रखवा दिया, ये महंगाई बात कर रहे हैं साहब। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमारी केवल सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है, मुफ्त का राशन दे रही है। अरे 80 करोड़ लोगों को ने मोदी ने एक तो साबित कर दिया कि 80 करोड़ गरीबों को राशन देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये 80 करोड़ वो लोग हैं जो इनको हम राशन देते हैं, मतलब वो मान गए हैं कि हमारे देश में गरीबी है, वो गरीबी नहीं मिटा रहे, वो गरीबों को नहीं मिटा रहे, गरीबी और बढ़ा रहे हैं मोदी जी राशन देकर। रोजगार दे ना, रोजगार दे, शिक्षा दे, एजुकेशन दे आदमी को, कहते उसके बाद खाने पीने की। जो रोजगार की बात ना पढ़े लिखे लोग करेंगे, जो गवार होंगे ना वो पकड़ा चलने की बात करेंगे, और आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़े लिखे को लाना है या अनपढ़ को लाना। पढ़े लिखे को लाओगे तो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, अनपढ़ को लाओगे पकौड़ा तलने की बात करेगा। वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे को लाना चाह रहे हो। पकौड़े तलना भी रोजगार है? हाँ, तो उनके लिए रोजगार है ना। हमारा माँ बाप 13-14 साल हमारे पीछे पैसा इन्वेस्ट किया, पढ़ाया लिखाया, वो क्या ये चाहेगा कि हमारा बच्चा पकौड़ा तले? पढ़ाया लिखाया उसकी चाहत क्या है कि अब हमारा बच्चा जब पढ़ लिख लिया है तो अब हमारे लिए कुछ करे, तो वो माँ बाप का आंसू नहीं निकलेगा? हम रोजगार नहीं मांगेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम उसकी तरह अंगूठा छाप नहीं है जो पकौड़ा तलने की बात करें। अगर हमको पकौड़ा ही तलना था तो हम 13-14 साल पैसा क्यों इन्वेस्ट किया पढ़ाई के पीछे? हम पकौड़ा के पीछे इन्वेस्ट करते, पकौड़ा में अच्छा खासा स्टैंडर्ड हम अपना खड़ा कर लेते, बिजनेस कर लेते। सीधी बात है, हम 13-14 साल हम पढ़ाई में इन्वेस्ट किए पैसा, हमें रोजगार चाहिए भाई, हमें रेहड़ी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, लग रहा है सरकार रोजगार के मुद्दों पे काम कर रही है?
देखिए रोजगार के मुद्दे पे अगर जरा सा भी काम किया होता तो आज आप लोग देख सकते हैं, हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसने सरकार के खिलाफ आंदोलन ना किया हो, रोड़ों पे ना आए हो। अगर जरा सा भी इन रोजगार के लिए काम किया होता तो जिस तरीके से हमारे यहाँ बेरोजगारी दर जो बढ़ी हुई है वो इस तरीके से ना बढ़ती। अगर इन्होंने रोजगार के लिए काम किया होता, गरीबी हटाने के लिए काम किया होता तो गरीबों को सिर्फ मुफ्त राशन नहीं दिया होता, मुफ्त राशन के साथ में शिक्षा को मुफ्त दिया होता, स्वास्थ्य को मुफ्त दिया होता और भी बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है उनको मुफ्त किया होता। मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये मौजूदा सरकार जो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं कैसे हो जाएगा सबका विकास। ये जातिगत जनगणना की बात आती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अगर ये कहते हैं, अगर ये जो अपने 10 साल का आज इलेक्शन, अभी जो इलेक्शन का दौर है इसमें इन्हें जहां अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए वहां जाके ये हिंदू मुस्लिम की तृष्टिकरण की राजनीति पर उतर आते हैं। ये लोगों को महिलाओं के मंगलसूत्र की बातें करने लगते हैं। हमारे देश को जितना शर्मसार देश मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में कोई भी ऐसा पीएम रहा हो जिसकी मौजूदगी में हमारा देश इतना कभी शर्मसार हुआ हो। हमारे देश को जिस तरीके से जाति और धर्मों में बांट दिया गया मोदी सरकार में, और वही आज रीजन है कि आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आपस में दिलों में भी घृणा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे युवाओं का, जिस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों का, हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमें आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी जो है, जो देश के फर्स्ट वोटर्स हैं इस बार, उनको बोल रहे हैं कि आप गूगल पे जाके देख लीजिए कि 10 साल में देश कैसा हो गया और उससे पहले कैसा था, उसी हिसाब से वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, गूगल में देख लीजिए, लोग गूगल में ये भी सर्च कर रहे हैं सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला पीएम कौन सा है तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। लोग गूगल में ये भी सर्च कर रहे हैं, जो एक सेना, एक हमारा जो युवा होता था सेना के अंदर शान आन बान शान के साथ जाता था, शहीद अगर कुछ हो जाता, कैजुअलिटी होती थी तो उसको सरकार फुल सम्मान देती थी, शहीदी का दर्जा मिलता था। आज वही 4 साल के अग्निवीर बना के उनको खिलौना बना दिया गया, उनका जिस तरीके से राजनीति का तृष्टिकरण किया गया सेना के अंदर भी कि युवाओं को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। एक जान जो हमारी धरती मातृभूमि के लिए जान नौछावर कर रहे हैं हम, ना कोई जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं हम, सेना के अंदर जाते हैं वहाँ सब भाईचारे से रहते हैं और हम शहीद जब शहीद हो जाते हैं हमें शहीदी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। आज ये कौन सी सरकार है, ये मौजूदा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जिसके अंदर शहीदी का। आपकी क्वेश्चन के जवाब, आपने शहीद की बात बोला, जब पुलवामा बस वो अटैक हुआ था, जब हमारे 40 सैनिक जब मरे थे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, वहाँ पे आपकी राहुल गांधी थे वहाँ पे, सब कोई अपने मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहाँ पे राहुल गांधी पॉकेट से मोबाइल निकाल के ऐसे देख रहे हैं, ये कौन सी श्रद्धांजलि मेरे को आप बताइएगा। मुझे ऐसी झूठी श्रद्धांजलि नहीं चाहिए, मुझे ऐसी झूठी श्रद्धांजलि नहीं चाहिए। जो आज 40 जवान शहीद हुए उनके बीच जो शहीदी का जो कारण था, जो RDX थी कहां से आई आज तक उसका ब्यौरा नहीं दे पाए। ED CBI जरा सी कोई अगर कील भी हिल जाती है, दो सीटिंग CM जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं, नीतीश कुमार जैसे, अखिलेश यादव जैसे पे नोटिस आ जाते हैं ED और CBI के, इनकी ED CBI और जो भी जांच एजेंसियां रॉ हो कोई भी हो वो यहां क्यों विफल हो जाती है। RDX का मैटर, इन्होंने जवान का, हेलो भैया, इन्होंने जवान का बात किया। मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ, मोदी जी से ऑन कैमरा, कि मोदी जी कब तक कभी जवान के नाम पे तो कभी भगवान के नाम पे, कब तक कभी जवान के नाम पे और भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे, कब आएंगे वो मुद्दे पे वोट मांगने के लिए। अच्छा। वो कभी जवान के नाम पे वोट मांगते हैं तो कभी भगवान के नाम पे हमने भीख मांगते लोगों को देखा है। चला वोट मांगते हैं, पहली बार क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार है? किसकी सरकार है इस बार? तो कहते इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, और मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, ये जो 5 ये 7 सीटें है ना, 2 सीटें मिलेंगी,
एक और ये मनोज तिवारी तो बहुत बुरी तरह से हारेगा, मुखर्जी नगर से हारेगा लग रहा है मनोज तिवारी। नहीं, हाँ ये इस बार हारेगा, मैं बोलता हूँ हारेगा, आप लिख के ले लीजिए हारेगा। मनोज भाई तो आज 10 साल से लग रहा है हार जाएगा, मैं बता रहा हूँ मैं हार जाएगा। मैंने ये इसको शिवराज सिंह को भी बोला था कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, नहीं बना। और इस बार ना 5 सीटें इनको इंडिया गठबंधन को मिलेगी, बाकी ये लोग ले जाएंगे। मनोज कुमार तो कह रहे हैं कि बस 40 दिन के लिए घूमने आए हैं। उसके मुंह पे बोला हूँ, इस बार दीपा मतलब होली के टाइम में मैंने बोला है कि तुम हार जाओगे और निश्चित है, देखना वो हार जाएगा। आप बोले हार जाएगा, हार जाएगा इस, आप लिख लीजिए मैं झूठ नहीं बोलता, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और इस बार मनोज तिवारी हारेगा। केवल जीतेगी तो सुषमा स्वराज की बेटी जीतेगी, ये बात मैं डंके की चोट बोलता हूँ।